You are not allowed to bring cooked food on board. Cooked food. You can eat that outside, but don't bring it on board, like chicken, burger. Yes. And also, three fruits are not allowed to bring on board. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप पहले से बहुत ही बेहतर होंगे। दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत पे फिर सभी भाइयों को नमस्कार। दोस्तों, आज का प्रोग्राम है मलेशिया का। क्रूज़ सिंगापुर से चलकर शाम को चला था और सुबह इन्होंने हमें मलेशिया पहुंचा दिया क्रूज़ ने। और क्रूज़ के अंदर ही आपने देखा होगा एक थिएटर है, जहाँ पर वहाँ पर सबको इकट्ठा किया गया था कि जो मलेशिया में जाना चाहता है। क्योंकि हमें पता चला था अगर आप खुद मलेशिया यहाँ से मलेशिया जाना चाहते हो तो कैब तो लेट हो जाए, तो क्रूज़ वापस सिंगापुर के लिए चल पड़ेगा। इसलिए मुझे किसी ने बताया था कि आप ना क्रूज़ के थ्रू ही मलेशिया की विजिट करना, और मैंने यही किया। इन्होंने कुल 60 सिंगापुरी डॉलर इन्होंने मेरे से लिए हैं, और ये क्रूज़ की ही बस के द्वारा हमें ले कर जाएंगे। ये देखिए, हम क्रूज़ से बाहर आ चुके हैं और मलेशिया पोर्ट पे हैं, जा रहे हैं अभी। और वहाँ इमिग्रेशन भी क्लियर कराने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो क्रूज़ का कार्ड है ये क्रूज़ की ही जिम्मेवारी है। जो क्रूज़ वाले उसी कार्ड के थ्रू, यानी कि उनका सब कुछ अलाउड होता है, और इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ हमें ऐसे ही डायरेक्ट बस तक ले जाया जा रहा है पोर्ट को। और जो इमिग्रेशन का वहाँ पे ऑफिस होते हैं इनके, वहाँ से हमें ले जाकर सीधा बस तक ये क्रूज़ वाले ही छोड़ के आएंगे। और क्रूज़ वालों की सीधा सीधा उनको चेतावनी है बस वालों को कि शाम को 6 बजे तक वो क्रूज़ पे वापस इनको टूरिस्ट को लेके आएंगे। तो इसलिए हम क्रूज़ के थ्रू ही जा रहे हैं, क्योंकि क्रूज़ के थ्रू में सेफ़ रहते हैं, टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इन्हीं की सारी जिम्मेवारी होती है। तो अगर आप भी जाओ तो क्रूज़ के थ्रू ही मलेशिया में जाना, क्योंकि कुआलालंपुर में कार्तिकेय मंदिर ही हमें दिखाएंगे, और ट्विन टावर है जो केएल टावर है, जो वो टावर भी हमें ये दिखाएंगे। तो इसलिए हमने इन्हीं की जिम्मेवारी के ऊपर इन्हीं को $60 पे कर दिए, लगभग समथिंग 3700 रुपये, और आप मलेशिया घूम सकते हो आराम से। ये यहाँ से जाने का ये बाहर का रास्ता है इमिग्रेशन से होते हुए, ये यहाँ की छोटी छोटी सी शॉप है, और बाहर तक ये जो ये क्रूज़ की ही कर्मचारी है जो आगे आगे चल रही है, और 8 नंबर बस में हमारी हमें जाना है। और अलग अलग पूरे अलग अलग देशों से ये सब टूरिस्ट हैं जो इकट्ठा हो गए हैं, और यहाँ से काफ़ी सारी बसें जाएंगी जो मलेशिया के लिए, और ये सभी क्रूज़ से ही आए हुए टूरिस्ट हैं। दोस्तों, ये सारी बसें खड़ी हैं, जिसमें 8 नंबर बस में हमें क्रूज़ से 8 नंबर बस में जाना है मलेशिया, और ये मलेशिया का ही पोर्ट है, और ये हमारी 8 नंबर है। ठीक है। दोस्तों, बस में बैठ गई हैं, और ये क्रूज़ से बस के द्वारा मलेशिया लेके जाएंगे। इसी बस से ये लगभग अभी 11 o'clock हो गए, और ये 6 बजे तक वापस क्रूज पे ले आएंगे, और मलेशिया में कुआलालंपुर जाएंगे। वहाँ पे कार्तिकेय मंदिर, ट्विन टावर, कई जगह ये घुमाएंगे, देखते हैं अभी बस के थ्रू। Where the sultanate begins from later evening, I'll share about the sultan king system over here. So he will arrive over here and started the kingdom. So when he started the kingdom, most of the traders, they came all the way from Arab, all the way from China, right? Because they are looking for spice and all this. So they attack, they capture the state, and they have ruled the state for 132 years. Revenue and all this for the country. So this is how Malaysia begins to grow, right? So with the helpful of these people, Malaysia easily, without any struggle, British, they declared the independence of Malaysia on 31st August 1957. So during our independence, Malaysia is not known as Malaysia. They call them, they say, they have a discussion, they talk, they wanted to merge the other two states, Singapore with Malaya. So
दोस्तों मलेशिया में भी सिंगापुर की तरह खूबसूरती बहुत है, ऊंची ऊंची इमारतें, साफ सफाई, आप देखोगे सड़कें भी अच्छी हैं, मतलब एक प्रकार से देखने की बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर भी। Research over here, and finalists from India, China, as well as from Russia, they settled over there. So one day, what happened? One of the people inside, and when he reached inside, he saw already he stuck his bicycle cape over there, because he need to give to this God, the mother God over here. All right, so we are almost reaching here. For those. के मंदिर मलेशिया कुआलालंपुर में, और ये इसका व्यू है। ये जो तस्वीर बनाई गई है कार्तिकेय की, ये प्योर गोल्ड का इसके ऊपर सारा कवर चढ़ाया गया है। और ये मंदिर देखो, मलेशिया के अंदर भारतीय मंदिर कितना सुंदर बनाया है, इतना प्यारा मंदिर है शिवलिंग। दोस्तों कार्तिकेय या मुर्गुन एक लोकप्रिय अपना हिंदू देवता है, और ये साउथ में आपने देखा होगा, दक्षिण राज्यों में विशेष कल तमिलनाडु में इसकी बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है। ये शिव पुत्र थे, और इसके अतिरिक्त जैसे यहाँ मलेशिया में श्रीलंका में तमिल निवासी है जो, सिंगापुर में भी बहुत मतलब ज़्यादा पूजे जाते हैं। इनके 6 सबसे प्रसिद्ध मंदिर हैं जो तमिलनाडु में स्थित हैं, और यहाँ जो 15वीं शताब्दी तक यह हिंदू राज्य ही था, हिंदू देश ही था मलेशिया, और उसके बाद मुसलमानों द्वारा आक्रमण करने के बावजूद यहाँ की परिस्थितियाँ चेंज हो गई। दोस्तों ये सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर जाकर मंदिर में जाती हैं सीधी, ये देखिए। पर वो तो ठीक है, वो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से 16 किलोमीटर के अंदर एक बंटू पर्वत श्रृंखला है। इन पर्वतों में चुनखड़ी की एक गुफा है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह गुफा 40 करोड़ वर्ष प्राचीन है। इस गुफा में जाने के लिए मतलब 200 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ चढ़कर जाने पर हम विशाल गुफा में प्रवेश करते हैं। यह गुफा इतनी बड़ी है कि इसके अंदर के
20 माले की इमारत खड़ी कर सकते हैं। और दोस्तों ये मंदिर हैं जो साथ में हैं, कार्तिकेय भगवान की मूर्ति के पास पास एक इधर मंदिर है, एक उधर मंदिर है। और ये मंदिर के अंदर का आप देख रहे हुए नज़ारा है, यहाँ पे भगवान की अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ लगाई गई हैं और कलाकृतियाँ हैं बहुत ही सुंदर। आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। दोस्तों आपको कैसा लगा मलेशिया? अगर आपको अच्छा लगा है तो इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे अगले पार्ट में, और जिसमें ट्विन टावर वगैरह होंगे और आपको वहाँ के यात्रा कराएंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। तो दोस्तों फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, और अभी यहाँ से अभी थोड़ी देर के बाद बस चलने वाली है, तो हम दोबारा से बस में जाएंगे और मलेशिया की आगे की यात्रा करेंगे। दोस्तों तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।